हाँ यार मील दीती जाना खान सिक्योरिटी मतलब चेकअप होता है बड़ा कम सकता है यार आप पता नहीं है कि प्लेन चो चीज निकलती पता उन्होंने दिखाना भी किन्ने टाइमिंग च मतलब जो प्लेन और टेक ऑफ करता टाइम लादा यार गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग किवें हो जी सारे सो टाइम हो गया जी 2:25 हो चुके हैं तो जिन्होंने तो नहीं पता उन्होंने मैं दस देना गुरलाल का आया वीजा तो वो अज फ्लाइट आ तो मैं चलिया नाल दिल्ली तुम थामने तो पता लग ही गया होना 4:20 की फ्लाइट आ 2:25 हो गए जो थोड़ा लेट हो गया एक चक्कर पै गया बच्चे बाकी मेरा तो फस्ट टाइम आ अजे कुछ पता पता नहीं बोर्डिंग वगैरह की सारा सिस्टम आ तो एक तुम प्लेन के बच्चे यहोजी चीज़ विखाऊंगा जी किसी ने नहीं विखाई होनी सो तुम व्लॉग में एंड तक जरूर वेखो एंटर हो गए जो इतने केयर भाजी इतने जा मतलब वो कर देंगे हेल्प हुल्प जो कुछ ना पता लगेगा बोर्डिंग पास तो मिल गया यार आ जड़ा जी तो पर यार सिक्योरिटी का इन्ना कम टाइट है ना सिक्योरिटी मतलब चेकअप होता है बड़ा कम सख्त है जी हाँ बाकी मिल गया अपन गेट नंबर 3 अपना 20-25 मिनटा जो एंटर हो जाना तो फिर आप पहुँच जाना अपने प्लेन को अरे सारे आ गेट नंबर 3 वाले वेट कर दे अपना गेट नंबर 3 आ यार पानी की बोतल ले जाओ एयरपोर्ट चो ये मे बी किन्ने लीटर की आ अधे लीटर की होनी मैंने जाप की तो 70 रुपया की जो सो पानी नाल ही लैके आवे आपका बंदा जी चीज़ तुम मैं कहा है ना एयरपोर्ट से मतलब वो जो प्लेन सेंटर होगा उदो एक दिखाऊंगा कैन चीज़ वो तुम उन्हें दिखाना भी किन्ने टाइमिंग से मतलब जो प्लेन और टेक ऑफ करता जो अपने रनवे से भजदा ना किन्ने टाइम चो मतलब उठता है जो टायर जमीन तो उपर चल जाते वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा मतलब टाइमर घड़ी से आप टाइमर लगा लेंगे हो गई जो एंट्री स्टार्ट यार गेट नंबर हैगा साडा 3 पहले उन्हें 5 च खिलाया हूँ फिर 4 चलाया हूँ इधरों एंट्री होंगी हम बोर्डिंग जहाँ चेक होना तो फिर बाद चुना खिला देना अगर हलो भी जटो हो गई जो एंट्री फिर तो आज चेक होया तो बाकी हम खिला देना उधर हूँ मैंने इन्ना नहीं पता वीडियो अलाउड हैगी या नहीं हैगी बनाई ने बाकी आप चक्कर आओ लगा जी विस्तारा तो सद आओ एक्सप्रैस एयर इंडिया से सीधा हूँ अपना आप अपने जहाज ही चलने आओ लगा अपना आ जी सो बह गए यार प्लेन अपने फिर हाँ जी बहर वाला सिस्टम सीट बेल्ट लाइए यार जहाज की पानी कि लगती अपने अपनी कुर्सी की पेटी कृपया बांध ले ज्यादा ना पास सीधा ना मतलब जो प्लेन है ना जिते अपना गेट हों उ ही ला देंगे प्लेन अगर बाहर बूर नहीं अपना जा सकते सीधा अपनी प्लेन च ही एंट्री होनी सीधी यार आ पता नहीं है कि प्लेन चो चीज़ निकलती पता नहीं होने ऑक्सीजन है कि चीज़ आओ मैं सारी निकलती उतो आवे यार तुम भाव नहीं देखती है ना फ्रैश करना थे हाँ ऑक्सीजन की नहीं लेना ऑक्सीजन इतना थोड़ा होती बाकी है ना अपना प्लेन से सफोकेशन वगैरह नहीं होती इस तरह जरा गड्डी गुड्डी बहिए होंगी ना इतने काम पूरा ओके जो है पर हमारे फ्लाइंग रिटर्न और स्टार लाइन सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है हमारा दिल्ली तक का उड़ान समय 5 मिनट में रहेगा और रनवे काफ़ी दूर तक वॉच तो आप टाइमर ला लेना टाइम ला दा यार यार ये मिनटों मिनट ही भज गया क्या यार बड़ी स्पीड एकदम ही भज गया जी
देवी और सज्जनों नमस्कार। एयर इंडिया को दिल्ली में निर्धारित समय से 23 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर आपका स्वागत है। यहाँ इस समय बाहर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। फाइनली गाइस दिल्ली पहुंच गए, तो अपना 23 मिनट पहले ना 55 मिनट गए थे, 23 मिनट पहले मतलब पहुंचावा यार बड़ी स्पीड में भाई दा निक्के नामी जी ਦਿਖਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦਮ ਜਿਹੜੇ 23 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਉਹ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਜਿਹਾ ਰੇੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜੇ ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਆਪੇ ਬਸ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਬਲ ਜਦੋਂ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਪੈਸੈਂਜਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਸਾਰੇ बस जहाज तो बस एंटर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर तो हम आप फिर अपने बैगेज लीए बैगेज अपना आ लगा इतने एग्जिट तो बैगेज उन्होंने दाता है कि 3 नंबर बैल्ट पे आने यार दिल्ली का एयरपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा घंट जो इधर खर्चे तो अंदर वाहवा आउटलैट है ये हल्दीराम्स आहो काफ़ी कुछ घंट चीज़ा इतने गुरलाल कैसे चल गया जी 3 नंबर बैल्ट आहो जी आ बैल्ट जी घूमी आँगी इतने लिया के रखन गया जी अजे आने यार इतने वे गुरलाल अजे आने बैग जी बैग तो आने वाले तो आप कढ लीए फिर ये किवें निकलती बड़े फसाई इन्ना ये यार भारी बड़ी यार दूजी अपने बल्ले जाम हो सच दूजी कटते यार वो तो जान जी हो गया तुरन नहीं दी हाँ ज्यादा सारिया जान है दो बैग तो आ गए जो अपने दो ही अजे आने वाले एक बैग आ गया जो अपना हो एक रह गया जो दूजा भी आ गया जी इन्होंने साई ने बड़ा तगड़ा लाया है कुलराज ने चलो जी बैग तो अपने हो गए जो कंप्लीट तो हूँ फिर बेहने चाहे किस तरह की सिस्टम है जो बाहर जाना एयरपोर्ट या फिर इतने स्टे कर देंगे देखते हैं मैं कह दिया मैं तो की ना जा टायर जाम हो पर उन्हें क्या कि फिर प्रेस डाउन टू रिलीज ब्रेक अगर छड़ दी तो ब्रेक लग जाती है नप के चलता जो ओहो गल कना यार एक ना मार्कर लभना है ना गुरलाल के बैगों से लिख के देना कुलराज जितों ने जाना कुलराज तो जाना वह एड्रैस लिख के देना तो पेन लभी इतों कि हूँ एक बुक वाली दुकान है पेन मैंने इतों है या नहीं नहीं यार उतों तो नहीं मिले वो मार्कर तो है नहीं तो मैं पेन है पेन पार्कर का विखा है 700 का 700 का होर कि देखते फिर आप यार एयरपोर्ट से ठंड काफ़ी ऐ लगता जिमें आप दूजा हम हिमाचल च नहीं आए होंगे उमें की ठंड जी ठंड जी मतलब लगती काफ़ी ए सी घंट काफ़ी पेन ले लिया यार पार्कर का पर आप हम लिखना है तो फिर लैना पैना क्योंकि इतों मिलता तो इतों होर कोई मिलता नहीं है मतलब नॉर्मल पेन कोई मिलता नहीं पार्कर का मिले एयरपोर्ट चो फिर ले लिया हूँ बैग ये लिख देने कुलराज का एड्रैस वगैरह लिया यार तुम फिर अनबॉक्सिंग करके दिखाने पड़ेगी अनबॉक्सिंग यदि कितों होंगी अनबॉक्सिंग फिर दूजी करनी पैनी है जितने हाँ चेक करो है दिता ना उन्हें पूरा डब्बी पार्कर का आ गई जाए मुंडे को ब्लॉग बनाने की आपका मूंह खा एड्रैस लिखता जो अपना कुलराज का सवेरे तो चिपका देना जो मुकबले ने एंट्री करनी होगी और जो रैप से करावे ना बैग उदो चिपका देना गुरलाल यार ठंड लगन दी जैकेट यार काफ़ी जने ने पाइया इतने टाइम हो गया जे 8:30 चले जे तो फिर 2 बजे हाँ 1 बजे की एंट्री करावे टर्मिनल 3 है 1 बजे एंट्री होगी तो 5:20 फिर फ्लाइट आ
अपनी लास्ट फ्लाइट आ, वो फिर नैक्सट ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। ये ब्लॉग आप एंड कर देना इतनी जो ये एंट्री होगी टर्मिनल से। डोमिनोज करा लिया यार, अपना गुरला लेंगे, कुछ खाना नहीं है क्योंकि वो मतलब ठीक नहीं है। पिज़्ज़ा हो गया जी अपना रेडी, ये फिर कर लिए फिनिश, तो फिर आप चलते हैं हम गुरलाल को। गुरलाल थोड़ी दूर बैठा इतों लागू, मैं आया है खान डोमिनोज से। सो यार पिज़्ज़ा तो करता जी आप फिनिश भी खावे कहो जहाँ जी। हाँ वेखो ऐडा यार टेस्ट ही नहीं लगा, इतना आता साढ़े ने पहली बार जी चीज़ कराई हुई है वो इस तरह बेकार ची होंगी गई। पीला कुछ है मैं खा लिया, टाइम हो गया जी 10:30, टाइम छेती लंघना है, आ जा फिर खा ला तू कुछ। उधर यार पहले उतो कूलर चाय जी पीती, वह भी मिलती है इतों, तो उधर जाने मिल्क मुल्क वगैरह शायद होगा उन्होंने को। फड़ा दे मैं इतने लाइए ब्रेक की, इतों अगे मैं पीती कूलर चाय, इन्होंने को पुछते मिल्क है या नहीं। एयरपोर्ट से यार काम चाह टैन जो पूरी घर नाल दी, बाकी कूलर चाह होंगी भी सवाल शुगर लियानी बनी ना अपन और दोवे ना नहीं मतलब पानी में अगर चार पाए तीन लै आना और चाह दे करती जी फिनिश आप। तो हूँ फिर आप चलते हैं उपर क्योंकि जो टर्मीनल 3 आर आप हूँ कितने है ग्राउंड फ्लोर से ना, तो फस्ट फ्लोर से है टर्मीनल 3 हम उधर चलते हैं। सो कर लगे फिर आप एंट्री हूँ टर्मीनल 3 तो आ लगी है लाइन लॉन्च बह जाएंगे ना, जो तेरा होगी एंट्री तेनों खिला देंगे अंदर, फिर मैं बह जाऊँगा उ अपनी तो 8:30 की फ्लाइट आ। यार लिफ्ट पता नहीं किवें दी, जो एक जना जो जाता कई बार ता भी नहीं चलती, जे कई बार 3-4-5-6 जने लै जाती, कई बार एक जना जाता ता भी नहीं चलती। हुण मैं ते एक ओ मैडम जी ओ आए दोनों व्यू जी यार दिल्ली दे एयरपोर्ट दा बाहर दा दिल्ली दा व्यू आ दिल्ली दा एयरपोर्ट जो सारा ओ प्लेन लगे आ टर्मीनल 3 ये यार 8:30 जे 11:30 हो गया, तो 12 बजे आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि 5:20 की फ्लाइट अपनी, तो अद्धा घंटा वेट करनी पैनी है जी अपन, तो भीड़ वेख लो यार कि 12 बज गए लगता फिर हम गुरला लाइन च रखी। फाइनली गाइस गुरलाल से हो गया एंटर हूँ अपने टर्मीनल से, आप उन्ना चेर इतने बैठते हैं, फिर जब उन्होंने बोर्डिंग पास मिल जूगा फिर आप अपना वेखना के सिस्टम अगे का उन्ना चेर आप इतने बहने उन्हें फोन कर देना जब उन्होंने बोर्डिंग पास मिल गया। A few moments later. सो फाइनली गाइस गुरलाल का फोन आया है, तो इमीग्रेशन वो क्लीयर हो गई है, तो बैगेज वगैरह भी हो गया सारा चैक, 2:15 हो गए जो, तो अपनी फ्लाइट हैगी 8:30 की। सो ये ब्लॉग आप करते हैं इतनी एंड, जो ब्लॉग वधिया लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ, चैनल सबसक्राइब करना ना भूलो, मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए, टिल देन टाटा गुड बाय।